आज हम बीकानेर के उपनगर गोपेश्वर बस्ती में हैं। यहाँ पर दिवाली के आगमन पेश से पूर्व बेहतरीन कलाकृति के दिए बनने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले चिकनी मिट्टी को, जैसे आप देख रहे हैं, चिकनी मिट्टी का को गूंथ कर आटे की तरह बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनाया जाता है, जिससे कि वह दिया बनाने लायक हो सके। इस मिट्टी को जो गूंथ रहे हैं, मैं आपकी इनसे बातचीत कराता हूँ। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम कुंभाराम जी। ये कुंभाराम जी हैं जो गोपेश्वर बस्ती में रहते हैं, और ये अभी बिल्कुल शुरुआती प्रक्रिया से एक दिया बनाने की कला में सिद्ध हस्त हैं। हम ये देखते हैं कैसे बनता है। ये सबसे पहले मिट्टी बना रहे हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अब ये पूरा मिट्टी का पिंड तैयार हो चुका है, कुंभाराम जी इसे लेके चलते हैं और फिर हम इसके साथ साथ इनसे बात करेंगे कि अब ये मिट्टी का जो लोथड़ा था, इसको इन्होंने चाक के ऊपर लगा दिया। कुंभाराम जी, ये जो गोल गोलाकार आकृति है, ये क्या कहलाती है? चाक कहलाता है क्या ये वाला? हाँ, ये चाक होता है। अच्छा जी, इसको हाथ से चलाई जाती है। अच्छा जी, पुरानी टाइम की वो चरखे टाइप में मशीन होती है, उस टाइम की मशीन है ये। अच्छा, हाथ की कला है। हाँ, चलो हम ये देखते हैं इसको कैसे चलाई जा रही है। सबसे ये डंडा है, इसका कोई विशेष नाम भी है? हाँ, इसका क्या नाम है सर? ये चाक चलाने वाली। चाक चलाने वाला स्टिक। अच्छा, अभी दिया बनने की प्रक्रिया है। ये चाक चलाया जा रहा है, जो लकड़ी के एक विशेष औजार से इसको घुमाया जा रहा है और फिर इसको एक तीव्र गति प्रदान की जा रही है। इसके बाद ये कुंभाराम जी के सिद्ध हस्त हाथ हैं जो इसको एक मिट्टी को मूर्त रूप देने में एक बहुत सुंदर दिया बनाने की ओर अग्रसित है। देखिए आप कैसे दिया बनता है, बहुत ध्यान से इनका देखो काम की जो कलाकारी है वो दिखाते हैं आपको। और इस प्रकार ये दिया तैयार हुआ। बहुत खूबसूरत दिया, और इस दिए पे एक कलाकारी डिजाइन बनाया जा रहा है और इसे धागे से काटा जाता है। कुंभाराम जी, देखने में आया कि आजकल दिए की बिक्री कम हो रही है, लोग ज्यादा बनाने में रुचि नहीं ले रहे, इसके क्या कारण, क्या मायने इसके, लोग क्यों नहीं बनाना चाह रहे? इसमें तो मिट्टी महंगी पड़ रही है। अच्छा जी, मिट्टी कहाँ से लाते हैं सर आप? ये कोलन से आती है। अच्छा जी, 407 की गाड़ी आती है 6000 में। अच्छा जी सर, तो उसके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, इसके साथ में 3D मिट्टी और मिलती है। अच्छा, फिर इसे बनाने में गूंथने में भी तो आपके आदमियों का भी तो सहयोग रहेगा, उनकी भी रोजगारी। हाँ, ये घरेलू कार्य है, इसमें सारे लोग कहीं लगे रहते हैं। हाँ जी, और दाढ़ियाँ इसके अंदर पड़ती नहीं है, इसलिए अखबार के बच्चे हैं जो दूसरा धंधा कर रहे हैं। हाँ, ये कमठाना का काम करता है, कोई ऑटो टैक्सी का काम कर रहा है। अच्छा, इसमें पूरे पैसे मिलते नहीं है। हाँ, ये देखने में आया है कि ये जो दिए की बनाने की प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा कठिन है और मेहनती है, पर जब दिए बनके तैयार होते हैं तो उसके बाद इनके खरीदार अपेक्षाकृत कम दिखते हैं, जिससे बाजार में ये पड़े रह जाते हैं और इस कारण लोगों ने अपने जो धंधा है, अपना पेशा है, उसको शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी ओर जा रहे हैं। इसलिए हमारी तो सभी से, दर्शकों से गुजारिश है कि वह ऐसे जो हमारे मूल कॉटेज इंडस्ट्री है जो अभी तक चल रही है, क्या ये कहीं बंद ना हो जाए, इनको चलता रहे। इसलिए हम सभी को ऐसे सभी आर्टिफिशियल चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, जैसे चाइना के आर्टिफिशियल बल्ब दिए मेले जो मॉल में सजाए जाते हैं, और दूसरा सभी लोगों से ये गुजारिश है कि वह इन चीज़ों का मोल भाव भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि यह इनका आखिरी पेशा है और अगर ये पेशा शने शने लुप्त हो गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये बनने वाले दिए, ये चाक केवल वीडियो में ही रह जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ये थे कुंभाराम जी गोपेश्वर बस्ती के साथ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सुंदर कलाकृति में दिए बना रहे और बहुत इसी दर्शक हाथों से दिया का निर्माण हो रहा है जो कि आगामी दिवाली पे आने बाजार में आने को तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसलिए ये चाट वाली चीज़ है ना, बड़ी कम रह गई है।
ये हाथ की तरह है पूरी इसमें।